नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनु सुनीता। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 11 सैन्य लोगों की मौत से देश भर में शोक की लहर है। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान सहित कई देशों से चीफ ऑफ डिफेंस के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत ऐसे जनरल रहे जिनके कार्यकाल में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया गया। पाकिस्तान हमेशा उनके लिए बयान जारी करता रहता था, लेकिन आज उनकी आकस्मिक मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर दुख प्रकट करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, संयुक्त स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल नदीम रजा और थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, ब्लिंकन ने लिखा, भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत, उनकी पत्नी और सहकर्मियों के आज हादसे में हुए निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। सीडीएस जनरल की मृत्यु पर रूसी राजदूत निकोले कुडाशे ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और 11 अन्य अधिकारियों के दुखद निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। भारत ने अपना महान देशभक्त और समर्पित नायक खो दिया है। इसराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड और इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी जनरल रावत के निधन पर भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई दुखद मौतों से गहरे तौर पे स्तब्ध हैं और दुखी हैं। भारत में चीनी राजदूत सन विदोंग ने शोक जताते हुए लिखा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य पीड़ितों के दुखद निधन पर गहरा शोक है। जनरल बिपिन रावत के परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेरी सहानुभूति है।